राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को आज रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर रायपुर, अकोला और पुणे में कई केस दर्ज थे। महात्मा गांधी के लिए दिए गए बयान के बाद से ही कालीचरण गिरफ्तार चल रहा था, जिसके बाद दो राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। आज सुबह तड़के 4 बजे रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने उसे खजुराहो के बागेश्वर धाम स्टे लॉज से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कालीचरण की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सियासत भी तेज हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि कालीचरण और महात्मा गांधी का ये पूरा मुद्दा आखिर था क्या। बता दें कि रायपुर के रावण भाटा में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसके समापन वाले दिन कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश पर कब्जा किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। इसके बाद से ही देश में कालीचरण की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग उठने लगी। बता दें कि कालीचरण के बयान के बाद टिकरापारा थाना में उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और दो राज्यों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। उधर गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करके गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस को अपने एक्शन की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को देनी चाहिए थी, इससे इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। मध्य प्रदेश की पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस से आपत्ति दर्ज कराएंगे। इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आम तौर पर पुलिस सूचना देती है, लेकिन अपराध कई तरह के होते हैं, कभी जानकारी दी जाती है तो कभी नहीं। बता दें कि गिरफ्तारी के पहले कालीचरण का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कालीचरण ये कह रहा था कि गांधी जी के बयान को लेकर उस पर FIR दर्ज हुई है। उसने कहा कि मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है, मैं गांधी से नफरत करता हूं, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। अपने ताज़ा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से ही राष्ट्र दो राय में बट गया। एक तरफ तो हमें ट्विटर पर #ReleaseKalicharanMaharaj #1 पर ट्रेंड करते देखने मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कालीचरण को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की मांग समाज के एक दूसरे धड़े से लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है कि कालीचरण का ये वक्तव्य, ये बयान और बाद में उनकी हुई गिरफ्तारी जायज़ है या नहीं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें खबर बेबाक के साथ।